हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी जी। बिलाल भाई, मैं नदीम बोल रहा हूँ। बोलिए एक 2 मिनट बात कर सकता हूँ बिलाल भाई मैं आपसे? बोलिए भाई। जी कल रात में बिलाल भाई सलीम साहब को अरेस्ट करे, हाँ सलीम साहब के घर पे आके जो है आपकी जमात के लोग गड़बड़ करके उनके घर पे तमाशा करके उनको अरेस्ट करके ले लेके गए। वैसे तो है ना बिलाल भाई, सोशल मीडिया के ऊपर नाहिदा कादरी को दवाएं लेके जाके नहीं दिए, तुम खा लेके सुसाइड कर लो बोल के। मैं बस आपसे 1-2 मिनट की बात करने के वास्ते फोन करा। हाँ हाँ 2 मिनट में 1 मिनट हो गया, बोलिए और बोलिए। तो अब ऐसे तो इन्हों हम आप इतना मतलब साथ में रहे सो है बिलाल भाई, उनके साथ में बहुत टाइम गुजारे सो है, कुछ तो भी जी आप थोड़ा बात करिए, देखिए। बहुत परेशान है, चीचा के घर वाले भी बहुत परेशान है। नहीं नहीं भाई, वो देखो वो दोनों की गलतियां हैं। वो मैं खाली जी सलीम साहब की गलती नहीं बोलता, नाहिदा कादरी की भी गलती है। वो जी जी नाहिदा कादरी को रावण की औलाद नहीं बोलना, सलीम साहब को बेशित लेके जाओ नहीं बोलना, जी जी ये बातें क्या है? वो सोशल मीडिया पे बातों से क्या होता? उनको रावण सोशल बोलते थे मीडिया तो पे बहुत सर सारे लोगों को बोले इनो बिलाल भाई, अब सब सुसाइड बोले थोड़ी बोले करे। बोलिए आप, ये सब बोले प्लानिंग के बोले साथ जो है ना वो ड्रामे कर रही होने, और कुछ भी नहीं है वो, नहीं, सबको उन्हें पब्लिक को ड्रामे समझ कर में आ रहा। देखो भाई, अगर उन्हें ड्रामे कर रहे हैं मैडम वो, तो उनका काम है, वो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। जी, अब वो आप लोगों का चलता ना बिलाल भाई, आपकी जमात का चलता, वन साइड आप अरे लोग जो है हमारी मारा जमात का, खिलाने के वास्ते जमात करने के, वही जमात का चलता बोले तो तो सलीम रहा। साहब का रात में मतलब जाके इतने बुरे बुरे गालियां दे रहे जमात के लोग, हाँ वो कौन तो सा। सलीम साहब क्या मस्जिद के इमाम है, उन्होंने गालियां नहीं देते? अरे अब वो आप देखिए बिलाल भाई, इतना टाइम गुजारे मैं आपको फोन के, मैं नहीं सुबह नहीं से इधर देखो उधर फोना कर देखो, रहा हूँ आपको मैं बोल रहा हूँ सुनिए। आप वो लोग जी। आप सलीम साहब को गालियां दिए, वो तो जिंदगी में आज तक सलीम साहब किसी को गालियां नहीं दिए। अब दिए होंगे बिलाल भाई, वो बात अरे अलग नहीं, ये है, बात गलत है ना, उन्होंने दिए तो दिए, ये लोग दिए तो बुरा होगा। लेकिन घर पे जाके गड़बड़ करना, उनके घर पे भी लेडीज है, पूरे लोग आए हैं, वहां जाके गड़बड़ करके हाँ घर तो के अंदर किसके भी घर में दरवाजों लेडीज को ही देते लाता ना, किसी मारना। के भी घर में लेडीज देते ना, कोई भी फोन करके अगर बोले बेशित बिछा तो ये करता हूँ, तो किसको भी तकलीफ होती है? अगर मैं आपके घर के ताल्लुक से बोला खैर बहुत बोल रहे मियाँ तुम बेशित लेके आ रहे हो, रात में बोले तो अच्छा दिखता। बेडशीट बेडशीट बोल के खासतौर पे उनको, ऐसा तो बहुत लोगों को बोलते, सब सुसाइड कर लेते थोड़ी बैठे हुए सोशल मीडिया पे। अरे हो भाई, नहीं करे तो नहीं करना, नहीं आना ये फील्ड में, नहीं आना। जरा अब देखिए सलीम बिलाल साहब भाई क्या आप, कर रहे हैं नहीं मालूम मेरे को। अब लोग क्या कर रहे भाई, वो गलत है, उनका भी तरीका गलत है। उन्हें उठा के जो है बोल दे रहे हैं किसको भी, जो चाहे मुंह खुवाया बोल दिए, जो चाहे बोल दिए, हर एक को बोले तो नहीं होता। बिल्कुल इंसान की बोलेंगे ना जबान, बिलाल भाई, देखो अब मुसलमान, अपने को राइट है बोलने नहीं, का। राइट है ना, तो सुनो आप, मुसलमान का जो है ईमान उसकी जुबान से रहता। अगर हम कलमा पढ़े तो हम मुसलमान है, अगर हम जी किसी औरत को जो है अपनी जुबान से बोल दिए कि कबूल है बोले तो उन्हें ता जिंदगी उन्हें हमारी जो है टिके में रहती। अगर हम किसी को जुबान से बोल दिए कि हम उसको छोड़ दिए बोले तो जिंदगी भर छोड़ दिए उसको, तो हमारा ईमान भी जबान से मुकर्रर है। ऐसा नहीं होता, जबान को संभाल के बात करना पड़ता। उठा के ये बोल डाले, उठा के वो बोल डाले, बेहूदे बातें कर डाले, खाली वो बेहूदे सोशल बातें कुछ मीडिया, भी नहीं करे, खाली हाइट सोशल बेहूदे मीडिया तो के बेहूदे दो चार बातें चिचोरे करेंगे ना पोटों, बिलाल भाई। सोशल मीडिया के दो चार जो चिचोरे पोटों को इंटरटेन करने के लिए अगर ये बेहूदे बातें करें तो उन्होंने क्या ये हैज अपने इंडिया का बेहूदे तो रहेगा? बेहूदे बातें करते, पूरे शहर को मालूम है उन्होंने बेहूदे है जो हाँ तो ड्रामे भाई कर रहे हैं, उनके उनके जो साथ मगरमच्छ के जब आंसू आ रहे हैं, पूरे हैदराबाद की आवाम पूरी पब्लिक को मालूम है तो कौन फोन करो बेहूदे भाई, है क्या इनके है। साथ पुलिस पुलिस कार्रवाई मैं करती, बस आपको पुलिस इसलिए फोन इन्वेस्टिगेशन करा, आपके करती। साथ में उन्होंने टाइम गुजारे सो है, कुछ तो भी आप मदद करिए, बात करिए। यकीनन मेरे साथ टाइम गुजारे वाले हैं उन्होंने, लेकिन मेरे साथ जब टाइम गुजारे ऐसी बातें नहीं किया करते। उस वक्त उन्होंने लिमिट में हुआ करते थे, अब उन्होंने बेहूदे बातें कर रहे हैं, वो अच्छी चीज नहीं है, किसी के भी ताल्लुक से अच्छी चीज नहीं है। आज का सोशल मीडिया बैठ के हमारी माँ बहन बेटियां देखते, जी अच्छा नहीं है। उठा के बेहूदे बातें कर देना, अच्छा, तो उन्होंने माँ बोले सो बात कुछ भी नहीं है क्या फिर? कौन बोले सो? नाहिदा कादरी बोले सो बात, मैं आपको शुरुआत में बोल एक रहा हूँ, औरत नाहिदा हो क्यों कादरी ने ऐसे गलत है। बात करती उन्हें? मैं आपको वही बात तो शुरू में भी बोल रहा हूँ कि नाहिदा कादरी भी गलत है, सलीम नाहिदा साहब की कादरी उम्र यही उनके बोल बाप रहा के था। बराबरी की है ना बिलाल भाई, हाँ आप तो उनकी जरा वो भी बेटी की देखिए है, ना। उन्होंने बेटी की उम्र के है ना, तो उन्होंने भी नहीं बोलना ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, नाहिदा खादरी भी नहीं बोलना चाहिए, सलीम साहब भी नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। यकीनन मेरे को शख्सी तौर पे सलीम साहब से मेरे को जो है लगाव है, लेकिन मैं इन चीजों में उनकी इसलिए बोल साइड के नहीं कर फोन करा सकता। बिलाल भाई मैं आपको, जरा नहीं, देखिए, बराबर है परेशान है, आपकी उनके बात, बेटे भी परेशान है, घर वाले आपकी परेशान है। बात बिल्कुल बराबर है। मैं सलीम साहब को अगर शख्सी तौर पर देखूं तो मेरे को उनसे हमदर्दी है, लेकिन इस किस्म से बेहूदे बातें किसी के भी ताल्लुक से कर देना ये गलत है। अब हाल ही में देखो मेरी एक फोटो डाल के उन्होंने जो है कुत्ते के जैसा हड्डी डाल के जो है मेरी फोटो को वायरल करे, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करा। मैं बोला छोड़ो, उनकी क्या है कि उनकी थिंकिंग उन्होंने डाल लिया कर लिया और खामोश पड़ गया।
लेकिन ऐसा हर कोई खामोश नहीं बैठता ना। अब उन्हें नाहिदा कादरी को बोल देंगे, नाहिदा कादरी के घर में भी दो तीन बहनें हैं उसकी, उसकी दो तीन बेटियां हैं, अब उसकी बेटियों की शादी होने वाली है, आज नहीं तो कल बच्चियों की शादी होंगी, वो उठा के कुछ भी बोल देना बच्चियों की। पूरे हैदराबाद को मालूम है बिलाल भाई उन्हें क्या है क्या नहीं है, उन्हें जो देखिए उस आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, आप उसके आप इनडायरेक्टली जो है ना आप बोल रहे हैं कि सलीम साहब के साथ भी हूँ बोल रहे, लेकिन आप सलीम साहब के साथ नहीं है, आप नाहिदा कादरी के साथ है। आप पूरे हैदराबाद को मालूम होगा वो बात अपनी जगह है, लेकिन अगर वो गलत है तो पुलिस उनके साथ कार्रवाई करती। आप और मैं कोई पुलिस डिपार्टमेंट की पुलिस इंक्वायरी के अंदर मदाखिलत आप मैं नहीं कर सकते। अब ये भी इंक्वायरी होना है कि वो बिचारी नलते गोलियां खाली कैसा खामोश बैठे। कुछ भी बिचारी नहीं है साहब, उन्हें मरने मरती उन्हें दूसरों को मार देती। आप उसकी ताइद कर रहे बोले थी बात हो गई, मैं आपसे मदद करने के आपसे मदद मांगने फोन करा था बिलाल साहब। तो मैं आपको बोलूंगा अल्लाह आमीन बिचारी को सेहत दे। अरे लोगों को मार देने वाले लोग आए, कोई बात है आप लोगों की? आप लोग खाली जो है दीवाने बातें कर लेते बैठते और दीवाने बातें कर। देखिए आप जरा साहब को बोलिए, साहब को बोल के कुछ तो भी करिए बिलाल भाई। नहीं 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 साहब अगर ये कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं बोलता हूँ। अरे क्या बात हुई बिलाल भाई, जरा थोड़ा तो भी रहम करो, आप साथ में रहते हो इतना टाइम गुजार रहे हो आपके साथ में। ये गलत बात है, साहब अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं भी साहब के साथ था। आप जो है साथ में इतना टाइम गुजारने के बाद आप थोड़ा रहम खा के जो है बुढ़े बड़े आदमी है ना बिलाल भाई। पहले तो साहब नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये बात। ये क्या बात हुई बिलाल साहब, अरे उठा के तुम्हारी बहन के बारे में तुम्हारी अम्मा के बारे में अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं तो तुम बर्दाश्त करते हो? तो उन्होंने कई उंगली करे हुए, उन्होंने नहीं करना ना उंगली, उन्होंने बड़े हैं उम्र, रावण की औलाद सलीम बोल के शुरू करे तो चुनो ना। चलो ठीक है, तो ये आप वन साइड सपोर्ट कर रहे हैं बिलाल भाई। खैर मैं आपसे मदद के आपसे फोन करा, लेकिन आप जो है मतलब पूरा 100% उनके तरफ से आप बात कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ से छू।